हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 एंड दिस इज पार्ट 47 फ्रेंड्स दिस इज पार्ट 47 टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 520 क्वेश्चंस एंड मोर 520 से ज़्यादा सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं इस पूरी सीरीज में इन 47-48 वीडियोज में। तो जैसा मैंने कहा था कि आपको कि मैं 500 क्वेश्चंस कम से कम आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आई हैव लिव्ड अप टू दैट प्रॉमिस एंड मैंने उतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए हैं। एंड आप इन वीडियोज को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, दे विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प एंड बिलीव मी पूरा करंट अफेयर्स लगभग मैंने पूरे महीनों का एक एक करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिया है, सो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। एंड लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 47। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंडिया एयर बुक। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन संकट मोचन इज फैसिलिटेटेड बाय विच कंट्री। इंडिया ने किस कंट्री के साथ ऑपरेशन संकट मोचन किया है। ऑप्शन आर साउथ सूडान, जिबूती, मेडागास्कर, सोमालिया। दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू। ऑपरेशन संकट मोचन किसके साथ इंडिया ने किया है, सो पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी ए साउथ सूडान। याद रखिएगा साउथ सूडान के साथ किया है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, इनसाइट्स ने कुछ क्वेश्चन दिए थे। इनसाइट्स अ ग्रेट वेबसाइट, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि वो अच्छा है, नहीं है, इट्स वेरी गुड, इट्स ग्रेट, बट याद रखिएगा ऑपरेशन संकट मोचन उन्होंने जिबूती आंसर दिया है, बट दैट इज रॉन्ग, सो प्लीज मेक श्योर यू करेक्ट दिस। ये क्वेश्चन देने का पर्पज ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे जो ये सोच के जाएंगे कि जिबूती के साथ हमने किया है, बट नहीं, हमने साउथ सूडान के साथ किया था ऑपरेशन संकट मोचन, तो प्लीज मेक दैट करेक्शन इन नोट्स एंड इनसाइट्स भी जल्दी ये करेक्शन दे देगा, सो दे आर ग्रेट, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू नो दिस आंसर ताकि आप एग्जाम में गलत ना करें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग कौशल केंद्राज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कौशल केंद्राज के रिगार्डिंग सही है। ऑप्शन वन इज दे आर इस्टेब्लिश्ड थ्रू द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर। सेकंड इज दैट द स्कीम इनविसाजेस टू सेट अप एटलीस्ट वन स्किल सेंटर इन एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री। तो दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं कि पहला मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर के अंदर आता है कौशल केंद्र, दूसरा इस स्कीम के तहत एक स्किल सेंटर एटलीस्ट हर स्टेट में होना चाहिए। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है, पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। एक एक करके अपन स्टेटमेंट देखते हैं। तो याद रखिएगा कौशल केंद्राज जो है वो लेबर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आते हैं, दे आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। सेकंड इज दैट स्कीम इनविसाइजेस टू सेटअप, यहाँ पर बोला गया है कि एक स्किल सेंटर हर स्टेट में होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि एक स्किल सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। ओके, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, नॉट फॉर स्टेट। अगर स्टेट में, पूरे स्टेट में एक ही स्किल सेंटर होगा तो फिर इतनी पॉपुलेशन को बियर नहीं कर पाएगा, सो दैट इज द रीजन वाई वन स्किल सेंटर पर डिस्ट्रिक्ट, डी विल बी द आंसर फॉर दिस। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन इज ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। इसको स्टार मार्क कर लीजिए और इसको अपनी नोट्स में ऐड कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन आने वाला है इस बार, तो याद कर लीजिएगा ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को क्या क्या है, क्या करता है, कब बना था। मैं कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा, जो नहीं लिखी हैं वो भी बता दूंगा, तो उनको ध्यान से देखिएगा। नाउ द स्टेटमेंट वन इज इट प्रोवाइड्स द फाइनेंस टू टैकल द होस्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन एक्सक्लूडिंग लैंड डिग्रेडेशन। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को फंड करता है लेकिन लैंड डिग्रेडेशन के अलावा। ओके, तो ये स्टेटमेंट वन है। सेकंड इज द फंडिंग कैन बी एक्सेस्ड टू इंप्लीमेंट मिनामाटा कन्वेंशन। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि फंडिंग मिनामाटा कन्वेंशन के लिए यूज की जा सकती है। ओके, तो ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। तो नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट दिस ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। ये पांच चीजों को फंड करता है। फाइव थिंग्स आर देयर विच आर फंडेड थ्रू दिस ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। उनको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिएगा, पूछी जा सकती है इनमें से कोई भी। ओके, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या एक्सक्लूड करता है लैंड डिग्रेडेशन का। तो बिल्कुल नहीं करता है और लैंड डिग्रेडेशन के लिए भी फंडिंग देता है। सो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना एक्सक्लूडिंग लैंड डिग्रेडेशन, तो दैट इज इनकरेक्ट, इट इंक्लूड्स लैंड डिग्रेडेशन ऑल्सो, सो फर्स्ट विल बी रॉन्ग। सेकंड देखते हैं फंडिंग कैन बी एक्सेस्ड टू इंप्लीमेंट मिनामाटा कन्वेंशन, दैट इज करेक्ट। इन पांच चीजों में एक मिनामाटा कन्वेंशन भी है। आगे मैंने बताया कौन सी पांच चीजें हैं, तो आप उनके लिए टेंशन मत लीजिए। सो बी विल बी द आंसर इन दिस केस, टू ओनली इज करेक्ट, बी इज द आंसर। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के बारे में याद रखिएगा 1992 में बना था, यहाँ पे भी एक करेक्शन कर लीजिएगा, जहाँ कुछ अलग सोर्सेज हैं वहाँ पे 1991 बोला गया है कि जीईएफ बना था, बट याद रखिएगा कि जीईएफ तभी बना था जब रियो समिट हुआ था। रियो समिट हुआ था 1992 में, उसके बाद ही 1992 के बाद ही इसको बनाया गया था ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के। ओके, एंड फाइव थिंग्स विच आर फंडेड बाय दिस आर सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सेकंड इज UNFCCC फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, एंड थर्ड इज UNCCD। तो ये जो स्टेटमेंट वन वहाँ लिखा था ना एक्सक्लूडिंग लैंड डिग्रेडेशन, तो देखो यहाँ पे इसको फंड किया जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन
ये तुम्हारा डेजर्टिफिकेशन, ओके, टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो दिस इज़ फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन यानी लैंड डिग्रेडेशन, तो उसको भी फंड करता है. फोर्थ इज स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक, ये उसके लिए भी करता है. देन फिफ्थ आपका मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, तो इन पांचों के लिए फंडिंग होती है जो कि GEF प्रोवाइड करता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, प्लीज मेक श्योर यू नो दिस, इसको याद रखिएगा, ओके. और अभी एक इकोसिस्टम सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इंडिया में आया है, इकोसिस्टम सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट MP और CG के लिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए, तो ये भी अपने कैलेंडर में ऐड कर लीजिए. इकोसिस्टम सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, उसके लिए भी फंडिंग GEF ही देगा, ओके. और एक और चीज जो नहीं लिखी मैं बता देता हूँ, GEF 1992 में बना था और 1994 से इसकी कस्टडी किसके पास है, इसकी कस्टडी वर्ल्ड बैंक के पास है, तो ये भी आप ऐड कर लीजिएगा, 1994 से इसकी कस्टडी वर्ल्ड बैंक के पास है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज इज मैनेज्ड बाय. नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, कौन मैनेज करता है इंडिया में इसको आपको बताना है. ऑप्शंस आर नाबार्ड, बी इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, थर्ड इज RBI, फोर्थ इज नीति आयोग. इनमें से कौन मैनेज करता है नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज को. Pause the video and think of the answer. And now let me tell you the answer. Answer for this will be A, NABARD. इसको as it is याद कर लीजिए कि national जो fund होता है to combat climatic change, National Adaptation Fund to combat climatic change, इसको NABARD manage करता है. So this is very important to remember. Now NAPCC का नाम आप सबने सुना होगा, National Action Plan for Climate Change. तो उसमें कुछ projects हैं, इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ 8 प्रोजेक्ट हैं, तो आपको बताना इनमें से कौन सा उसके अंदर है, कौन सा उसके अंदर नहीं है. फर्स्ट इज एनर्जी एफिशिएंसी, सेकंड इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, थर्ड इज सस्टेनेबल हैबिटेट, फोर्थ इज हिमालयन इकोसिस्टम, फिफ्थ इज स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज. तो इनमें से कौन सा NAPCC का पार्ट है और कौन सा नहीं है आपको बताना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, डी, पांचों है. याद रखिएगा 8 है टोटल, इसके अलावा सोलर मिशन है, वाटर मिशन है और ग्रीन इंडिया मिशन है. सोलर मिशन, वाटर मिशन और ग्रीन इंडिया मिशन, तो 5 आपको ये दिख रहे होंगे और ये इसके बाद 3 मैंने आपको बता दिया, ओके. तो यहाँ पे 8 लिखे भी हैं मैंने, देख सकते हैं आप कि सोलर एनर्जी का मिशन है, नेशनल सोलर मिशन. देन इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी सेकंड है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थर्ड, सस्टेनेबल हैबिटेट फोर्थ, फिफ्थ वाटर, नेशनल वाटर मिशन, फिफ्थ इज हिमालयन, सिक्स्थ इज हिमालयन इकोसिस्टम, सेवन्थ इज ग्रीन इंडिया मिशन, एट्थ इज स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति टू प्रोब द यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इज चेयर्ड बाय. तो आपको याद रखना पड़ेगा एक चीज़ तो ये कि केंद्रीय हिंदी समिति जो है वो ये प्रूव करती है कि क्या हिंदी को अलोन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए. तो आपको ये बताना है कि कौन चेयर करता है. ऑप्शन आर HRD मिनिस्टर, बी इज प्राइम मिनिस्टर, सी इज मिनिस्टर ऑफ कल्चर, डी इज यूनियन होम मिनिस्टर. तो इनमें से कौन इसको चेयर करता है केंद्रीय हिंदी समिति को. तो दो चीज़ें आपको नॉलेज होगी, पहली चीज़ तो केंद्रीय हिंदी समिति के बारे में आपको पता चला, दूसरा अब आपको पता चलेगा कि कौन इसको हेड करता है. ऑप्शंस आर देयर फॉर यू, प्लीज थिंक ऑफ द आंसर. नाउ लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी बी प्राइम मिनिस्टर. याद रखिएगा केंद्रीय हिंदी समिति कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1967 में बनी थी और इसको चेयर कौन करता है, अपने प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस केंद्रीय हिंदी समिति प्रूव्स दैट वेदर हिंदी कैन बी द ऑफिशियल लैंग्वेज अलोन और नॉट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज इंडिया सीड वॉल्ट इज लोकेटेड इन. इंडिया का सीड वॉल्ट इनमें से कहाँ लोकेटेड है. ऑप्शंस आर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश. दीज आर द 4 ऑप्शंस फॉर यू. इंडिया सीड वॉल्ट कहाँ पर है, आप सबको पता होना चाहिए. स्वैलबार्ड का सीड वॉल्ट कहाँ पर है. स्वैलबार्ड का सीड वॉल्ट है नॉर्वे में. वेरी मच इन न्यूज़, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है साल भर, तो उसके कारण हम लोग को इंडिया का भी सीड वॉल्ट एटलीस्ट पता होना चाहिए. तो ऑप्शन आर गिवन टू यू, आपको बताने में से कहाँ है. पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी ए, जम्मू एंड कश्मीर. याद रखेगा चांगला रीजन लद्दाख में आता है, लद्दाख चांगला में ही सीड वॉल्ट है. इसके अलावा एक और सेंटर है जहाँ पे सीड स्टोरेज फैसिलिटी होती है, वो है ICAR का पूसा इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है. ओके, न्यू दिल्ली में ICAR का जो पूसा इंस्टीट्यूट है वहाँ भी सीड स्टोरेज फैसिलिटी दी गई है, याद रखेगा. लेकिन सीड वॉल्ट चांगला लद्दाख में है. क्वेश्चन नंबर 8 इज प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ. प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इनमें से किसका इनिशिएटिव है. ऑप्शंस आर फिक्की एंड सर्ब, सेकंड इज CII एंड सर्ब, थर्ड इज फिक्की एंड CII, फोर्थ इज सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड फिक्की. ओके, तो इनमें से किसके अंडर आता है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम. पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी बी, CII प्लस सर्व के अंदर आता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर,
सर्व के अंदर आता है, सीआईआई के अंदर आता है आपका प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। ओके, तो ये किस चीज़ के लिए आपको याद रखना है कि लगभग 1000 बच्चों को जिन्होंने बीटेक और एमटेक किया है, बीटेक प्लस एमटेक जिन्होंने किया है, बीटेक और एमटेक जिन्होंने किया है और या प्लस जिन्होंने किया है, उनको पीएचडी और दी जाएगी। पीएचडी के लिए डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा इन आईआईटीज एंड आईएससीज। ओके, पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा फॉर आईएससीज एंड आईआईटीज। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज विलेज रिसोर्स सेंटर्स आर, विलेज रिसोर्स सेंटर इनमें से क्या है? ऑप्शंस आर देयर, यू कैन सी। नाउ पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी, विलेज रिसोर्स सेंटर। याद रखिएगा, इसरो ने सेटअप किया है इन सेलेक्टेड विलेजेस टू मीट द नीड ऑफ द पीपल यूजिंग सैटेलाइट डेटा। तो इसरो ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट सोचा कि हम सैटेलाइट के थ्रू डाटा कलेक्ट करेंगे ऐसे लोगों का जिनको ज़रूरत होगी, फिर उनको मदद करेंगे। तो दिस इज़ विलेज रिसोर्स सेंटर, और इसरो ने लगभग 473 विलेज रिसोर्स सेंटर्स अभी तक इस्टेब्लिश कर लिए हैं, और सैटेलाइट के थ्रू डेटा इकट्ठा किया जाएगा, फिर उनकी मदद की जाएगी। तो विलेज रिसोर्स सेंटर, इसको नोट्स में ऐड कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, ये आ सकता है, पूछा जा सकता है, प्लीज़ मेक श्योर यू नो दिस। क्वेश्चन नंबर 10 इज लमित्या इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। लमित्या एक्सरसाइज के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि काउंटर पायरेसियन काउंटर टेररिज्म की एक्सरसाइज है, काउंटर पायरेसियन काउंटर टेररिज्म की एक्सरसाइज है, और ये किसके साथ हमने की है? ऑप्शन आर मालदीव्स, सिशेल्स, मॉरिशियस या जिबूती। दीज आर द ऑप्शन फॉर यू, पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल द करेक्ट आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी बी, सिशेल्स। ओके, तो हमने लमित्या एक्सरसाइज किसके साथ की है? हमने सिशेल्स के साथ किया है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, प्लीज मेक श्योर यू नो दिस। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल ट्रस्ट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो नेशनल ट्रस्ट जो है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो किस 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 मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपको बताना है। ऑप्शन आर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बी इज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेशनल ट्रस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर फर्स्ट एंड नाउ लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। याद रखिएगा, नेशनल ट्रस्ट जो है ना, वो इट्स अ बॉडी फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल सफरिंग विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो बेसिकली ये डिसेबिलिटीज जिनको हो जाती है उनके लिए नेशनल ट्रस्ट बनाया गया था, फॉर ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो आंसर विल बी ए। आप सबको पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटीज जो आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। ओके, तो ये इसलिए ये उसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 12, आरसीपी में इनमें से कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, आरसीपी के अंदर इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज या बॉडीज़ हैं? ऑप्शंस आर आसियान, सेकंड इज़ इंडिया, थर्ड इज़ चाइना, फोर्थ इज़ रशिया, फिफ्थ इज़ न्यूजीलैंड। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि आरसीपी का पार्ट है? तो ऑप्शंस आर 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, चारों पाँचों। ओके, तो पॉज द वीडियो थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी आसियान तो है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आरसीपी जो है ना, आरसीईपी इज इक्वल्स टू आसियान प्लस 6। आसियान के अलावा 6 और कंट्रीज हैं, तो अपन देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से। तो आसियान तो बिल्कुल है, वन विल बी देयर, देन इंडिया है, चाइना है, रशिया नहीं है, न्यूजीलैंड है। तो आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 5। 1, 2, 3, 5 कहाँ है? 1, 2, 3, 5 सी में, तो सी विल बी दी आंसर। ओके, तो एक चीज़ आपको बता दूँ, इसमें जो कन्फ्यूजन होता है लड़कों को मेन, वो होता है रशिया और यूएसए में। तो याद रखिएगा, रशिया एंड यूएसए बोथ आर नॉट दी पार्ट ऑफ आरसीईपी। तो ये बड़ी कंट्रीज हैं जो आपको कन्फ्यूज कर देंगी, ये दोनों पार्ट नहीं है। इसके अलावा जो कंट्रीज पार्ट है वो याद रखिएगा, जापान और साउथ कोरिया है। ओके, जापान साउथ कोरिया आर पार्ट। ओके, तो ये आपको देख रहा होगा, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दीज आर द कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ दिस आरसीईपी कॉरिडोर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई थी, आपको बताना है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। फर्स्ट इज इट सीक्स टू इन्हांस शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी फ्रॉम 16 to 25%। तो ये चाहता है कि शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में इंक्रीज हो जाए, 16 से 25% हो जाए। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने की बात की गई है, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी सी, बोथ ऑफ द अबव। तो आपको अब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स पता चल जाएंगे इस आंसर के थ्रू। तो पहला याद रखिएगा कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में पहली चीज बोली गई कि 16 से 25% शेयर बढ़ाना है, 16 से 25% शेयर बढ़ाना है जीडीपी के अंदर। दूसरा बोलता है कि एनआईएमजेड
हाँ तो NIMZ की बात भी की गई है। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू इज फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन कौन से स्टेट में बनाया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू नो दिस। आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा और बताइएगा कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं अपन। ICAI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NFRA आने के बाद तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? फर्स्ट इज डिप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। बी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डी इज कैग। तो आपको बताना है कि ICAI इनमें से किसके अंदर आता है। पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA के अंदर आता है। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट याद रखिएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े बड़े कॉर्पोरेट फर्म्स में होते हैं, इसलिए जो कॉर्पोरेट फर्म्स कॉर्पोरेट की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसी के अंदर आएगा। वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इनमें से कौन से ट्रिब्यूटरी लार्जेस्ट है इंडस की? ए इज सतलज, बीज रावी, सी इज चेनाब, डी इज झेलम। तो इनमें से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इंडस की कौन सी है? मैं कुछ और फैक्ट्स आपको बता दूंगा इस आंसर में, तो आपको नदियाँ ऊपर से कवर हो जाएंगी। और एक चीज़ और बता दूं कि कमेंट सेक्शन में नीचे मैं एक लिंक दूंगा, हमारी एजुकेटर है, हमारे यहाँ भी वो वीडियो बनाती हैं एंड शी हैज़ मेड अ गुड कोर्स ऑन रिवर्स एंड ऑल। तो उनमें से लगभग आपकी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स कवर की है। तो आप लिंक में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, कमेंट में भी लिंक रहेगी और डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। ओके, तो लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। आंसर फॉर दिस विल बी सी चेनाब। चेनाब इज़ द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। कुछ फैक्ट्स बता दूँ, सतलज जो है वो मानसरोवर से निकलती है, राइज होती है, एंड देन इंडिया में शिपकीला पास से इंटर करती है, इंडिया में शिपकीला पास से इंटर करती है। दूसरी चीज़ बता दूँ आपको, रवि जो है वो रोहतांग से निकलती है, रोहतांग आपको पता होना चाहिए, वहाँ से निकलती है। चेनाब की दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं, चंद्रा एंड भागा, चंद्रा प्लस भागा बनके मिलके बनाती है चेनाब। झेलम का जो राइजिंग पॉइंट है वो वेरीनाग ग्लेशियर है, वेरीनाग से निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन वेरीनाग। देन चेनाब के अंदर एक चीज़ बता दो कि बगलीहार डैम इज़ अ पार्ट ऑफ चेनाब, बगलीहार डैम, रतले डैम इज ऑल्सो ऑन चेनाब। देन आपको एक चीज़ बता दो कि किशन गंगा इज पार्ट ऑफ झेलम, किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है वो झेलम का प्रोजेक्ट है। एंड यही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रहनी चाहिए। ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज विच अमंग द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज मेंशंस द नेम अशोका। तो अशोका का नाम अशोका कौन से इंस्क्रिप्शन में बोला गया है? नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सांची, मस्की, भरहुत या प्रयाग प्रशस्ति, इनमें से कहाँ अशोका का नाम अशोका बोला गया है? ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू। पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर एंड लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी बी, मस्की एडिक्ट। ओके, तो याद रखिए कि केवल दो ही एडिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने अशोका को अशोका बोला है, बाकी जगह उसको देवम पिया प्रियादासी बोला जाता था। ओके, देवनम पिया प्रियादासी, आपको याद होना चाहिए। तो प्रयाग प्रशस्ति में भी देवनम प्रिया प्रियादासी ही बोला गया है। मस्की एडिक्ट और गुजरा एपिक्ट एडिक्ट ऐसे हैं, मस्की और गुजरा में ही दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे अशोका को अशोका बोला गया है। सो दीज आर दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। तो अब आप बताइए कि कितने आपके सही थे कितने गलत। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।